तो बाघ मोर के ठीक सामने ही दिख है, यहाँ पे देखिए कितना बड़ा दुर्गा माँ बन रहा है। यहाँ पे लिख चुका है बंगाली में, भाई बहुत बड़ा बन रहा है ये सामने बाघ मोर। और ये हम लोग इस तरफ जाना है। इस साल जो आपका है इसका कोई थीम नहीं है आपका? नहीं, सिर्फ आपका एक थीम है कि मेरा सिर्फ से सबसे बड़ा मूर्ति बनेगा, ठीक है? अच्छा, ऑटो वाला अंकल क्या बताना चाहिए? तो बताना चाहिए ना अंकल, आप ऑटो वाले हैं? हाँ बोलिए ना, हम ऑटो वाला है। तो चलिए एक्सरे। तो हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक हमारे न्यू वीडियो में। और अभी फिलहाल मैं आ चुका हूँ सियालदह स्टेशन पे, सामने देख सकते हैं सियालदह स्टेशन। और यहाँ से हम लोग जाएंगे सीधा कचरा पारा, और कचरा पारा में सबसे बड़ा दुर्गा पूजा बन रहा है पंडाल, जो काफ़ी बहुत ही बड़ा, कम से कम ना तो 80 फुट से भी ज़्यादा ऊँचा है। तो अभी सियालदह से मेरा लोकल ट्रेन है, और लोकल ट्रेन पकड़ने के बाद सीधा हम लोग जाएंगे कचरा पारा, जो कि कल्याणी स्टॉपेज के एक स्टॉपेज आगे है। तो यहाँ से सीधा लोकल ट्रेन, और आपको सियालदह से कैसे जाना है वो सारा जानकारी इस वीडियो में मिलेगा। तो आप लोग इस वीडियो में एंड तक बने रहना। तो चलिए सामने देखिए, अभी सियालदह स्टेशन आ चुका है, और भाई सियालदह में आज बहुत ही ज़्यादा भीड़ है अभी फ़िलहाल। तो चलो सियालदह से ट्रेन पकड़ते हैं और हम लोग सीधा चलते हैं कचरा पाड़ा। तो भाई अभी फ़िलहाल सियालदह स्टेशन आ चुका, और सियालदह में अभी अंदर आपको प्लेटफॉर्म से टिकट लीजिए और सीधे निकल चलिए। तो अभी फ़िलहाल दोस्तों मैं सियालदह स्टेशन पे हूँ, मेरे सामने सियालदह स्टेशन है, और हमारा ट्रेन है कल्याणी सेवंतो लोकल, जो अभी यहाँ से सीधा कचरा पाड़ा के लिए जाएगा। और यहाँ से कम ना तो 7-8-10 स्टॉपेज है, और 11:58 पे हम लोग पहुँचेंगे बैरकपुर, जहाँ से हमारे एक फ्रेंड है दिव्य ज्योति, और जिनके चैनल का नाम है बैक बेंचर स्ट्रीट भाई। भाई बहुत ही अच्छे वीडियो बनाते हैं, और काफ़ी अच्छा है भाई, और काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। तो मैं और भैया साथ में जाते हैं वीडियो करने के लिए। और अभी मेरा ट्रेन होगा आपका 11:22 का, और अभी मैं बता दूं अभी 11:20 हो रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे सामने में, और हमारा ट्रेन सामने खड़ा चुका है। और मैं हूँ अभी सियालदह स्टेशन पे, और ये प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर ट्रेन खड़ा हुआ है अभी फिलहाल यहाँ से निकलने के लिए। तो चलिए अभी निकल सीधा हम लोग कचरा पाड़ा के लिए, और मैं आपको कुछ बैग से दिखाता हूँ मैं अभी एक्चुअल में कहाँ पर हूँ। तो ये देखिए मेरे सामने, ये हमारा लोकल ट्रेन कल्याणी सेवंतो, सामने देख सकते हैं, और ये है भाई सियालदह स्टेशन हमारा। अभी देखो सामने आपको दिख रहा है, ये हमारा सियालदह स्टेशन, और सियालदह से भी मैं ट्रेन पकड़ूंगा यहाँ से। और देखिए एक दूसरा ट्रेन भी आ रहा है, और मैं प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे खड़ा हूँ अभी फ़िलहाल, और सामने यहाँ से निकलेंगे सीधा हम लोग कल्याणी कचरा पाड़ा, कल्याणी लोकल सेवंतो पकड़ के। तो चलिए हम लोग सीधा चलते हैं ट्रेन के अंदर, और सीधा चलेंगे हम लोग कचरा पाड़ा। अभी फ़िलहाल हम लोग कचरा पाड़ा स्टेशन है उसके सामने, और वहाँ से निकल के सामने आ चुके हैं, और यहाँ से अभी हम लोग को टोटो पकड़ना है इस तरफ जाने के लिए। और टोटो पकड़ना है मैं सतोशी क्लब, जहाँ पर भाई सबसे बड़ा माँ दुर्गा बन रहा है भाई, बहुत बड़ा। और ऊपर में सामने ले सकते हैं, यहाँ पे टोटो पकड़िए आप लोग इस तरफ से निकल के, और इस तरफ टोटो पकड़ने के लिए जाने के लिए आप लोग टोटो पकड़िए। तो अभी फ़िलहाल कल्याणी जो स्टेशन है कचरा पाड़ा, वहाँ से निकलने के बाद यहाँ से ऑटो है, ऑटो पकड़िए, और यहाँ से ऑटो पकड़ने के बाद आप लोग बाघ मोड़ उतरिए, और जहाँ पे दुर्गा पूजा का सबसे जो बड़ा दुर्गा पूजा जो मूर्ति बन रहा है वो वाला बन रहा है, तो यहाँ से मात्र ऑटो पकड़िए, और यहाँ से ऑटो हम लोग को मात्र 10 रुपये लेगा, और बाघ मोड़ उतरेंगे। अच्छा, ऑटो वाला अंकल क्या बताना चाहिए? तो बताना चाहिए अंकल, आप ऑटो वाले हैं? चलिए पौधा भैया, पौधा भैया, विष्णु विष्णु भैया। अभी फ़िलहाल मैं आ चुका हूँ बाघ मोड़, मेरे सामने देख सकते हैं ये हमारा बाघ मोड़, और बाघ मोड़ से हम लोग लेफ्ट में जाएंगे, जहाँ पे दुर्गा माँ का सबसे बड़ा मूर्ति बन रहा है सामने में, जिसका बैनर लगाया हुआ है वहाँ पे फ्रंट में, वहाँ सामने पेट्रोल पंप है। अगर आप लोग आते हैं तो पेट्रोल पंप के ठीक राइट में, लेफ्ट में जाना है हम लोगों को बाघ मोड़ से। तो चलिए हम लोग चलते हैं सीधा पंडाल में, जहाँ पे मूर्ति बन रहा है। तो बाघ मोर के ठीक सामने ही दिख है, यहाँ पे देखिए कितना बड़ा दुर्गा माँ बन रहा है, यहाँ पे लिख चुका है बंगाली में, भाई बहुत बड़ा बन रहा है ये सामने बाघ मोर। और ये हम लोग इस तरफ जाना है। तो अभी फ़िलहाल आ चुके हैं कचरा पाड़ा, छत्रसरी क्लब जो है उसके ठीक अंदर जाने वाले हैं, जहाँ पे हम लोग का बहुत ही बड़ा दुर्गा माँ का मूर्ति बन रहा है। और कचरा पाड़ा से निकलने के बाद आप ऑटो लीजिए, बागमोर उतरिए, और बागमोर उतरने के बाद इसी रास्ते से आपको जाना है। तो इसी रास्ते से हम जा रहे हैं बागमोर, बागमोर से सत्यश्रुति क्लब। तो चलिए हम लोग वहाँ पहुँचते हैं, और वहाँ पर कितना बड़ा मूर्ति बन रहा है वो आपको वहाँ पर चल के ही दिखाते हैं सीधा। बागमोर से पैदल आने के बाद सिर्फ ज़्यादा नहीं 1 से 2 मिनट लगेगा, और जस्ट उसके ठीक राइट साइड में ही यहाँ पे देखिए जो बड़ा दुर्गा माँ बन रहा है,
यही है भाई सबसे बड़ा दुर्गा माँ, कोलकाता 2023 का सबसे बड़ा दुर्गा माँ का मूर्ति, और जस्ट यहाँ पे तैयार हो रहा है। और ये क्लब है सामने देख सकते हैं, तो अभी यहाँ पे कुछ जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन मिलेगा आप लोगों को शेयर किया जाएगा। तो अभी फ़िलहाल हम लोग आ चुके हैं सप्तर्षि क्लब में, जिसमें माँ दुर्गा बन रहा है, जिसका हाइट लगभग 40 फुट है मेरे पीछे देख सकते हैं। और अभी कुछ देर पहले था मैं कचरापाड़ा चंद्रयान 3 जहाँ पे बन रहा है, और अभी हम लोग आ चुके हैं सप्तर्षि क्लब में, जहाँ पे हमारा सबसे बड़ा माँ दुर्गा बन रहा है। 40 फुट का कचरापाड़ा का सबसे हाईएस्ट दुर्गा माँ बन रहा है, जो 40 फुट है लगभग इसका। तो अभी फ़िलहाल मैं आप लोगों को बता दूँ, कचरापाड़ा बागमोर जहाँ पे दुर्गा माँ का सबसे बड़ा दुर्गा माँ बन रहा है, जो मूर्ति जो है सबसे बड़ा 40 फुट का, उस पंडाल के मैं ठीक अंदर में हूँ। और दोस्तों यहाँ पे बता दिया जाए, जो 40 फुट का जो दुर्गा माँ बन रहा है ना, वो उसका जो लकड़ी से जो बांस से जो प्रिपरेशन चल रहा है वो पंडाल के अंदर ही चल रहा है, तो पंडाल के अंदर ही बनाया जाएगा। तो मैं आपको कुछ बैक कैमरे से दिखाता हूँ कि इसका स्ट्रक्चर अभी कहाँ तक रेडी हुआ है। और भाई ये लगभग 40 फुट का बनेगा, और भाई बहुत ही बड़ा बनेगा, आपको मैं बैक कैमरे से दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जो मेरे सामने जो पीछे देख पा रहे हैं, यही ये बांस से पूरा स्ट्रक्चर उसका तैयार किया जा रहा है। ये देखिए, ये पूरा बांस से ही पूरा रेडी किया है, पूरा प्रेक व्रेक लगा के। ये देखिए, पूरा ये माँ दुर्गा का ही पूरा स्ट्रक्चर रेडी हो रहा है, और इसी पे इस पर मट्टी लगाया जाएगा, और मट्टी लगने के बाद ये पूरा हमारा 40 फुट का मूर्ति तैयार होगा। और ये लगभग 2 तल्ला के लगभग है, देख सकते हैं ऊपर में, और काफ़ी बड़ा बन रहा है। जैसे आपने देखा होगा 2015 में जो देशोप्रिया पार्क में जो बनाया था हज़ार हाथ का मूर्ति, दोस्तों सेम वैसा ही यहाँ पे तैयार किया जा रहा है, जो बहुत ही ज़्यादा चर्चित हुआ था देशोप्रिया पार्क में। और सेम ये वाला भी चर्चित होगा जो कचरापाड़ा में, और कचरापाड़ा का सबसे हाईएस्ट मूर्ति बन रहा है इस पंडाल में बागमोर के पास। का जो काम रहेगा मिट्टी का, वो मतलब संडे से चालू होगा, ठीक है? और संडे से चालू होने के बाद लगभग कब तक खत्म होगा? बोलें ये रथतलार पूजो कैमन होच्छे, टिक्का काम लुमिनस कैमन होच्छे, बट हमरा ओइखाने तो मिट्टी का काम रहेगा। पहले तो हमरा আমাদের মত করে যাই, जो हमारा আমাদের ছাদা সবথেকে বড় মূর্তি है মা का, तो उसका स्ट्रक्चर पहले बनेगा, फिर लास्ट में ये मट्टी का काम होगा। वो कंप्लीट होते होते आपका अक्टूबर 10th के पहले आई थिंक हम लोग कोशिश करेंगे। अच्छा, और जो मतलब इसका जो मट्टी से जब सारा जब रेडी हो जाएगा, इसका जो उद्घाटन होगा वो कब तक हो पाएगा? उद्घाटन के बारे में महालय या प्रथमा द्वितीया से हम कर देते हैं एवरी ईयर। मतलब दर्शन जो लोग देखने के लिए आ सकते हैं वो कब से आ सकते हैं? द्वितीया के बाद। द्वितीया के बाद से जैसे बात आ सकते हैं। अच्छा, और आप कह सकते हैं यहाँ पे मतलब आने के लिए एक तो बोल दीजिए कि मतलब अगर कोलकाता से अगर जो आना चाहते हैं तो कैसे आएंगे? कोलकाता से अगर आएंगे कोई तो फिर सियालदह स्टेशन से यहाँ पर काचरापाड़ा स्टेशन में उतरना पड़ेगा, फिर वहाँ से ऑटो मिलेगा, टोटो मिलेगा, सब कुछ है। वहाँ से बागमोर में आना पड़ेगा, बागमोर से थोड़ा एक मिनट भी नहीं है, बागमोर से एक मिनट भी नहीं है। किसी को पूछेंगे सप्तर्षि क्लब कहाँ है सब बता देंगे। तो मतलब आपने जो अभी बताया जो मूर्ति का जो बजट है वो 4 लाख के करीबन है? 4 लाख से खाली मूर्ति का? खाली मूर्ति का, खाली मूर्ति का। लाइटिंग वाइटिंग अलग है, पूजा का जो पूजा का वो लगभग कितना तक पहुँच जाएगा? 6-6.5 तो जाएगा लगभग। कितना लग जाएगा? उससे ज्यादा ही होगा, ऊपर ही जाएगा। हाँ, उससे ज्यादा ही। अभी तक कोई डिसाइड नहीं हुआ, अभी तक डिसाइड नहीं, मतलब काम तो चल रहा है ना, अभी तो पूजा के बाद में ऑल टोटल हम नहीं बता पाऊंगा आपको, लेकिन अब कुछ दिन बाद ही आपको बता देंगे जब ये काम शुरू होगा। काम शुरू होगा तब बता। काम अगर शुरू नहीं होगा तो हम बता नहीं पाएंगे। अभी के आसपास 7 लाख के आसपास था मिनिमम 6.5-7 मिनिमम। ठीक है, थैंक यू भैया, आप लोगों से मिलकर काफी अच्छा लगा। थैंक यू। इस साल जो आपका है इसका कोई थीम नहीं है आपका? नहीं, सिर्फ आपका एक थीम है कि मेरा सिर्फ सबसे बड़ा मूर्ति बनेगा। ठीक है, तो इस बार सबसे बड़ा मूर्ति है, जो इससे जो आपका संदेश है वो लोगों तक क्या पहुंचाना चाहते हैं आप लोग? बांग्ला बोलिए, हमारा हिंदी देखो बेटा। मैं हिंदी वीडियो बनाता हूँ इसलिए मैं हिंदी में बनाता है। लोगों को यही बोलेंगे, मतलब ये हमारा पहली बार है ये। अच्छा। यहाँ पर बड़ा मूर्ति माँ का। अच्छा। इसके पहले अभी तक हमको नहीं लगता हुआ है यहाँ पर, तो हम लोग वार्ता क्या देंगे, बस यही, बस आइए सब देखिए, हम लोग को भी अच्छा लगेगा, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। अच्छा। वही बस, मतलब जो क्या? और जो हर साल आप जो थीम बनाते हैं उस थीम से आप लोगों ज़्यादातर लोगों को क्या संदेश पहुँचाना चाहते हैं?
वो थीम के ऊपर डिपेंड करता है, एनवायरमेंटल जो जो कॉज है हमारा यहाँ का, जो एक एक बार एक एक टाइप का अलग 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 थीम के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ एलिमेंट थे वहाँ पे, सोशल एलिमेंट कुछ तो डालते हैं हम थीम में लोगों को इंस्पायर करने के लिए। तो अभी फिलहाल कचरापाड़ा में जो हमारा सप्तशी क्लब है उसमें दोस्तों मैं बता दूं आप लोगों, भाई 30 से 32 फुट का दुर्गा माँ का मूर्ति बन रहा है भाई, बहुत ही बड़ा अलग ही लेवल का है। और मैं अभी खड़ा हूँ बागमोर, और हमारे सामने से यहाँ पे पीछे जो बागमोर स्टेशन है जो पूरा यहाँ पे ऑटो वगैरह मिलता है, तो उसी जगह पे खड़े हुए हैं। और यहाँ से हम लोग को ऑटो पकड़ना है सीधा कचरापाड़ा स्टेशन के लिए। और जब आप लोग कचरापाड़ा स्टेशन से जब आएंगे बागमोर के लिए तो यहीं पर आएंगे, और यहीं से उतर के जस्ट आपको लेफ्ट में जाना है, और वहाँ पे आप लोगों को दुर्गा माँ का जो मूर्ति है वो सबसे बड़ा वही देखने के लिए मिलेगा।